हे गाइस, देखो लोगों को फाइनेंस सेक्टर में बहुत भरोसा है, लगता है कि बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, फाइनेंस सेक्टर बहुत बड़ा प्रॉफिट निकाल के दे सकता है। बिल्कुल, इसमें कोई मतलब दो राय नहीं है। जिस तरीके से बजाज फाइनेंस ने काफ़ी अच्छा रिटर्न निकाल के दिया है, बहुत सही बहुत सही। अब जियो फाइनेंस का जिस तरीके से IPO आया, तो बहुत सारे लोगों ने अपने इंटरेस्ट दिखाया कि जियो फाइनेंशियल सर्विस ये करेगा वो करेगा, ऐसा वैसा इतना बड़ा, लेकिन समझो कुछ नहीं है। जियो फाइनेंशियल सर्विस एकदम नॉर्मल नॉर्मल, याद रखे कुछ नहीं, एकदम नॉर्मल। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बिल्कुल बेकार, खत्म नहीं, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं बोल सकते। देखो, अगर आप कम प्रॉफिट के साथ सेटिस्फाई हो, तो मैं आपको बोलूँगा जियो फाइनेंशियल सर्विसेज आपके लिए बहुत सही है, बहुत सही है भाई। कुछ लोग, मैं आपको बोलूँगा कि 100 रुपये के कपड़े के साथ कुछ लोग सेटिस्फाई हो जाता है कि भाई चलो कम कीमत वाले हैं तो क्या हुआ, मैं सेटिस्फाई हूँ, अच्छा लग रहा है मुझे बस। लेकिन कुछ लोग ना, कपड़े की क्वालिटी और पसंद से मतलब नहीं होती है उनको, कीमत से मतलब होती है। महंगा खरीदूंगा तब तो सबके सामने दिखाऊंगा भाई इतने का है या इतने का है, तो ये चीज़ें होती है भाई। तो लोग बजाज फाइनेंस खरीद के ये दिखाना चाहते हैं कि भाई ये इतने का इतने का, जियो फाइनेंशियल खरीद के ये दिखाना चाहते हैं इतने का इतने का। टाटा ग्रुप का भी एक कंपनी है जो फाइनेंस सेक्टर में काम करती है, वो भी आपको कुछ अच्छा रिटर्न निकाल के दे सकता है, लेकिन ये आपको कब पता चलेगा, जब और गहराई में जाके आप स्टडी करोगे। और ये अभी अभी चलना स्टार्ट किया, कम शेयर का प्राइस 2688 रुपीज़ में आपको देखने को मिला। पिछले एक महीने में 10% का रिटर्न है, पिछले एक साल में देखेंगे तो अभी लॉस है, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी खबर है। पिछले 5 सालों में इसने 2.5% का रिटर्न निकाल के दिया, लेकिन अभी अभी तो ये चलना स्टार्ट किया है सर, अभी अभी तो ये चलना स्टार्ट किया। अगर आप देखोगे तो देख लीजिए, पिछले 5 सालों में ये चलना स्टार्ट किया। पहले तो देखोगे तो एकदम फ्लैट रहता था, एकदम फ्लैट रहता था, नॉर्मल बिहेव करता था, ऐसा था, नॉर्मल बिहेव करता था। मतलब यहाँ से अगर यहाँ तक देखें तो कोई खास ग्रोथ ही आपको देखने को नहीं मिली होगी, है कि नहीं है। यहाँ पर अगर आप देखते हैं 2008 से लेकर 2020 तक, मतलब 12 सालों तक ये स्टॉक्स में कोई भी मूवमेंट आपको देखने को नहीं मिला, एकदम नॉर्मल नॉर्मल था। लेकिन अब देखो तो केवल 2-4 सालों में कंपनी ने काफ़ी अच्छा जो है ग्रोथ दिखाया है, और अब इस कदर भागने की कोशिश करेगा स्टॉक कि लोगों के हाथ भी नहीं आएगा, चकमा देगा। चकमा देने का मतलब लोगों को क्या करेगा, लोगों के भावनाओं के साथ खेलेगा, ऊपर जाएगा, लोग जैसे ही खरीदेंगे ये नीचे आना स्टार्ट कर देगा, लोग जैसे ही बेचेंगे और उसको ऊपर जाना स्टार्ट कर देगा। इस तरीके से आप लोगों को मतलब जो है मतलब ये आपको चकमा देने की कोशिश करेगा। लेकिन हाँ, फ्यूचर में आपको ब्राइट रिटर्न देखने को मिलेगा, ब्राइट रिटर्न देखने को मिलेगा। अगर आप थोड़ा बहुत पेशेंस रख सकते हो तो समझो कि ये स्टॉक आपके लायक है। अगर आप इनके वेबसाइट पे जाते हो, ठीक है, तो आपको जो भी देखना हो ये सारी चीज़ आपको जो है PDF बाई PDF आपको दिखा देंगे। कंपनी मैं आपको बताना चाहता हूँ क्या क्या किस में कैसे कैसे काम करती है। ये इन्वेस्टमेंट करती है लिस्टेड एंड अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स में, जो लिस्टेड है मार्केट में वो भी, अब जो नहीं लिस्टेड है मार्केट में उनके साथ भी ये जो है काम करती है। डेट के साथ काम करती है, डेट इंस्ट्रूमेंट के साथ, म्यूचुअल फंड के साथ काम करती है, और भी बहुत सारे रेंज हैं। उसके साथ साथ जो इनका मेन बिजनेस आपको देखने को मिलेगा NBFC, ठीक है, RBI के अंडर में इन्होंने जो है ये रजिस्टर्ड करवा रखा है। इनके पास पोर्टफोलियो ब्रांड अगर देखते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट बनाकर बेचते हैं उसके अंदर। ये जैसे कि टाटा असेट मैनेजमेंट, वहाँ पर 32% स्टेक देखने को मिल जाएगा। टाटा ट्रस्ट में इनको जो है 50% स्टेक देखने को मिल जाएगा। और भी मतलब जो है इनके कुछ प्राइवेट कंपनी हैं जिनके आसपास जो है इनके पास स्टेक रहते हैं, ठीक है ना, प्राइवेट कंपनी में कुछ देखने को मिलता है। और ये काफ़ी ज़्यादा पैसा तो है केवल डिविडेंड से कमा लेते हैं, ये टाटा ग्रुप के बेस्ट कंपनी में इन्वेस्टमेंट करता है ये, और उसके साथ टाटा ग्रुप के जो कंपनी नहीं है उनके साथ भी इन्वेस्टमेंट करता है। इंटरेस्ट से ये पैसा कमाता है, डिविडेंड से पैसा कमाता है, और इन्वेस्टमेंट से पैसा कमाता है। कुछ कुछ और भी बिज़नेस है इनके पास, थोड़ा और भी बिज़नेस है, इनके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो थोड़े बड़े हैं। और यहाँ पर प्रमोटर्स के पास जो हिस्सेदारी है वो 73.38% है, बाकी 1% फॉरेन इन्वेस्टर्स के पास है। फॉरेन इन्वेस्टर्स ने अपने एक दो क्वार्टर से इन्होंने देखो अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है, उसके साथ साथ डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के पास थोड़ा सा देखने को मिलेगा, और बाकी आपको जो 25-26% पब्लिक के पास है, ठीक है चलेगा, इतना नॉर्मल है चलेगा। बाकी बैलेंस शीट में अगर आप देखते हो तो कंपनी के पास रिजर्व 20,000 करोड़ का है, समझो कितना, 19,500। और कंपनी का वैल्यू कितना है सर, तो कंपनी का वैल्यू ये 13,500 करोड़, कंपनी का वैल्यू ये 13,500 करोड़, और कंपनी के पास रिजर्व कितना है 19,500 करोड़। और पहले तो कंपनी डेट फ्री थी, कुछ भी डेट नहीं था कंपनी के पास, इस बार कंपनी ने केवल 250 करोड़ 240 करोड़ का बोरिंग लिया है, जो कि ज़्यादा नहीं है, बहुत कम है, वर्चुअली कंपनी डेट फ्री है, समझो। तो इतना पैसा करेगी क्या सर, ये कंपनी करेगी क्या, ये कंपनी इसी वजह से 2% का ये खुद ही डिविडेंड देती है लोगों को, ताकि डिविडेंड से लोगों को फ़ायदा हो, इसी वजह से ये कंपनी लोगों को डिविडेंड देती है। पहले ज़्यादा डिविडेंड देती थी, अब थोड़ा कम दे रही है डिविडेंड। तो ये क्या करती है, इन्वेस्टमेंट करती है चारों तरफ,
ये खुद भी डिविडेंड इनकम कमाती है बहुत ज़्यादा, और उसके साथ साथ ये इंटरेस्ट भी कमाती है, और भी इनका मतलब अच्छा खासा बिजनेस है, इतना ज़्यादा कंपनी के पास पैसा आपको देखने को मिल रहा है सर, ऐसा है। अब एक चीज़ देखो, इस बिज़नेस का बहुत सॉलिड चीज़ समझने की कोशिश करो। अभी जैसे रिलायंस इंडस्ट्री है ना, 100 रुपये का प्रोडक्ट बेचता है, रिलायंस इंडस्ट्री कितना कमाता है भाई? रिलायंस इंडस्ट्री 20 रुपये कमाता है, ठीक है, 18 to 20 रुपीज़ कमाता है, लेकिन ये कंपनी अगर 100 रुपये का प्रोडक्ट बेचती है तो ये 90 रुपीज़ कमाती है, समझ रहे हो ना? ये कंपनी पूरी तरीके से असेट लाइट मॉडल पे बेस्ड है, इनका एक्सपेंसेस नाम की कोई चीज़ नहीं होती है ज़्यादा। देख लो, सेल्स इनका 200-300 करोड़ का होता है, लेकिन इनमें एक्सपेंसेस नहीं होता 15-16 करोड़, 20 करोड़, 30 करोड़, बस एकदम नॉर्मल। 90% पैसा तो सर इनके जेब में जाता है, देख लो, इस वजह से ये कंपनी खास है। पूछो क्यों? इनके पास हेवी डिविडेंड इन्वेस्टमेंट ये आता है, डिविडेंड मिलता है इस कंपनी को। अब डिविडेंड के लिए इस कंपनी को क्या करना पड़ेगा? क्या बहुत ज़्यादा लेबर को काम करना पड़ेगा, बहुत बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट देने पड़ेंगे? कुछ भी, नॉर्मल बस चुपचाप बैठे रहो, अब पैसा आने वाला है, इन्वेस्टमेंट करती है कंपनी तो वहाँ से पैसा आने वाला है करके, समझ रहे हो ना? और भी बहुत सारे कंपनियों के साथ इन्होंने पार्टनरशिप कर रखा, तो ये एकदम बिल्कुल प्योर बोल सकते हो असेट लाइट मॉडल। 100 रुपये का प्रोडक्ट बेच के कंपनी जो है 90 रुपये अपने पैकेट में रखती है, और 13-14 हज़ार करोड़ की कंपनी है अगर आप देखोगे तो सर 300-400 करोड़ तो कंपनी कमा लेती है प्रॉफिट। देख लो, 300 करोड़, 250 करोड़, 200 करोड़, देख लीजिए किस कदर है। अभी जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है, ये है हैप्पीएस्ट माइंड और ये है टाटा इन्वेस्टमेंट। दोनों कंपनी का देखेंगे तो कितना है, कितने करोड़ की कंपनी है, ये 14,000 करोड़ की कंपनी है, ये 13,600। दोनों लमसम लेके चले तो दोनों 14,000 करोड़ की कंपनी है भाई, ठीक है ना, 14,000 करोड़ की कंपनी है। अब हो गया बात, अब हम इसका प्रॉफिट लॉस एंड अकाउंट देखेंगे, ठीक है ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखेंगे तो देखेंगे कि ये जो कंपनी है हैप्पीएस्ट माइंड, ये 1,000 करोड़ का सेल्स करती है, मतलब 1,000 करोड़ का सेल्स करती है, या ज़्यादा ज़्यादा 1,300 या 1,400 करोड़ का सेल्स करती है। और ये कंपनी केवल कितने का सेल्स करती है? 100, 200, 300 करोड़ का सेल्स करती है, ठीक है ना। तो ये पैसा कितना कमाती है भाई, डिफरेंस देखो। तो ये कंपनी 1,000 करोड़ का सेल्स करने के बाद ये कंपनी कमाती कितना है? तो 180 करोड़, 160 करोड़, 200 समथिंग कुछ कमाती है, लेकिन ये कंपनी केवल 200-300 करोड़ का ही सेल्स करने के बावजूद कंपनी कमा लेती है, देख लो कितना, 155, 214, 250, 310, सोच लो। अगर ये कंपनी मान लेते हैं कि आने वाले दिन में अगर 600 करोड़ का सेल्स करना स्टार्ट कर दे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कर सकती है, अपने बिजनेस को बढ़ा सकती है, तो हो जाएगा कि इसका भाई 300 से 600 करोड़ का सेल्स हो सकता है, इनका प्रॉफिट हो जाएगा इनका इतना। 2,000 करोड़ का भी अगर, ये 2,000 करोड़ बहुत है सर, 1,000 से 2,000 मतलब बहुत बड़ा हो जाएगा, देख रहे हो? तो कौन बेटर पैसा कमा रहा है आप यहाँ पर देख लीजिए। दो बिजनेस है, बिजनेस ए और बिजनेस बी। बिजनेस ए आपको साल में 10% का रिटर्न निकाल के देता है, और ये भी आपको 10% का रिटर्न निकाल के देता है, लेकिन ये बिजनेस को खरीदना चाहते हो परसेंटेज में है, ठीक है, लेकिन ये बिजनेस को अगर आप खरीदना चाहते हो, ए बिजनेस को अगर आप खरीदना चाहते हो तो इसमें आपको 50,000 रुपीज़ देना पड़ेगा, और बिजनेस बी को अगर आप खरीदना चाहते हो तो आपको 1,00,000 रुपये पे करना पड़ेगा, 1,00,000 रुपये। तो कौन सा बिजनेस आप खरीदना पसंद करोगे? लोग बोलेंगे ए। पूछो क्यों? ये इसमें इन्वेस्टमेंट भी कम लग रहा है और रिटर्न भी सेम मिल रहा है, तो फिर क्यों जाना दूसरे के पास? इसमें इन्वेस्टमेंट डबल लग रहा है और रिटर्न भी उतना मिल रहा है, वही चीज़ यहाँ पर ही बताया जा रहा है। बात समझ में आई? बिजनेस मॉडल तो कुछ ऐसा था। बाकी मैं आपको बोलूँगा कि ये कोई रिकमेंडेशन एडवाइस नहीं, एक तरीके से इन्फॉर्मेशन है जो आपको बताया जा रहा है, सोच समझ के आराम से अपने डिसीजन लेके काम कीजिएगा। और अगर स्टॉक मार्केट में नहीं है तो अपना डीमैट अकाउंट एंजल में ओपन कर सकते हो, जहाँ पर डीमैट अकाउंट बिल्कुल फ्री होगा, डिलीवरी चार्जेस फ्री, केवल 20 रुपीज़ लग गया, वो भी इंट्राडे सब जगह लगता है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, मिनटों में जाकर अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो।